ये 1212 ट्रांसफार्मर के देखिए, ये लाल वाला जो है वह 0, इधर दोनों तरफ 12 12, और ये दो डायोड हैं, 3 एम्पियर डायोड हैं। ये 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और ये एक कैपेसिटर है जो 25 वोल्टेज 2200 माइक्रोफेरेट है। तो ये 0 वाला, इसके ये देखिए 0 है, और इसका ये निशान दिया हुआ माइनस का होता है। ये इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसको सोल्डर कर देते हैं। ये शोल्डर हो चुका है इसके साथ माइनस, और ये बचा एक प्लस वाला टर्मिनल। तो ये दो, इनको दो माइनस जो है इनके प्लस कर लेने ज्वाइंट दोनों, और माइनस माइनस फ्री छोड़ देने। ठीक, इसके साथ इनको करते हैं कनेक्शन इनका। ये दोनों जो वाइट वाइट लाइन दिखेगी वो दोनों माइनस होंगे, इनको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद जो दोनों लैग बचेंगी 12, दोनों 12 12 की, उनको एक एक डाइवर्ट में कनेक्ट कर देना। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो इसी के साथ ही कनेक्ट हो चुका है। अब इसको इसके कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कैपेसिटर का माइनस वाला तो हो चुका है, प्लस बचा, प्लस इन दोनों ज्वाइंट जो किया है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए इधर प्लस और इधर माइनस, माइनस तो ग्राउंड के साथ हो चुका है। तो ये इसके साथ हम इसको शोल्डर कर देंगे। ये शोल्डर, ये शोल्डर कर देते हैं इसे। ये शोल्डर हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये 1212 से 12 वोल्टेज या 12 से 15 भी हो सकता है, 15 वोल्टेज, ये ओके हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं हम, ये कनेक्शन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। एक बार ये एसी इन करेंगे, एसी वोल्टेज ये देखिए, ये केबल है इसका ये, और इसको इन करते हैं। इन करने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये माइनस है, माइनस के साथ माइनस को अटैच करेंगे, माइनस रख दिया, और ये प्लस का, तो प्लस का प्लस में टर्मिनल टच करेंगे। ये देखिए ये अच्छा, मैं थोड़ा आपको ये दिख नहीं रहा, थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको मैं। ये थोड़ा मीटर को सही करता हूँ, मल्टीमीटर ये इसको लगा के रखता हूँ मैं थोड़ा सही से। ये आ चुका है, अब देखिए ये थोड़ा मीटर मेरा 4 5 वोल्टेज माइनस प्लस में दिखाता है। ये देखिए अभी कितना दिखा रहा है यहाँ पर, लगभग 24 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये प्लस माइनस में आ चुका है, ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, कर सकते हो।